धर्मशाला में जो पर्यटन है, पर्यटन या भी यहाँ की धार्मिक नगरी है या खेल नगरी है, खेल नगरी को पंख लगाने के लिए और जिसमें जो लगातार जिन्होंने काम किया है और इसके साथ साथ में आगे क्या कार्य होने थे, उन कार्यों के साथ में नगर परिषद से के बाद नगर निगम तक जो सफर तय हुआ है, तो उसके साथ हम सीधा आपको जोड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ आपका चंबा एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद। सर हमारा पहला सवाल तो ये है कि जैसे अपने क्योंकि आप अपर से आते हैं कि बागसूली से कहा वहां पे टूरिज्म को एक टूरिज्म हब बनाया था, उसके लिए क्या प्रयास किए गए, कैसे कैसे आपको आइडिया लगा था कि यहाँ के लोगों को इसके साथ जोड़ना है? सबसे पहले तो मैं जिस बार से बिलोंग करता हूँ या जिस बार से मैं जीत के आया हूँ, वो वार्ड नंबर 3 जहाँ पर महामहिम दलाई लामा जी का निवास स्थान है और वो मैक्लोडगंज है, और मैक्लोडगंज जो है वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है वो पहले मैक्लोडगंज में जाता, तो हम छोटे जब से हम पैदा हुए उसी टाइम जो है दलाई लामा जी यहाँ आए हैं, उससे पहले दलाई लामा जी मैक्लोडगंज में आए हैं, तो टूरिस्ट जो है उसी टाइम से ही स्टार्ट हुआ है और आस्ते आस्ते जो है वो हमारा अपर एरिया जो टूरिस्ट हिसाब से पूरा डेवलप हो गया, उसके साथ साथ हम भी डेवलप हुए हैं। हमने मेरे जो फादर थे डैडी जी थे वो 3 टर्म नगर परिषद में रहे हैं पार्षद, और मैं भी नगर परिषद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और पार्षद भी रहा हूँ, और नगर निगम जब बनी है तो मैं नगर निगम में भी पार्षद बना और इसमें वाइस डिप्टी मेयर भी बनो और फिर बाद में मेयर भी बनो। लंबे समय से मैं नगर निगम में भी अब इस टर्म में 20 साल हो जाएंगे, तो 20 साल में हमने काफी डेवलपमेंट जो है वो अपने पूरा एरिया में भी और पूरी धर्मशाला नगर निगम में की है जी। सर अब आप डिपार्टमेंट की बात कीजिए, डिपार्टमेंट में अब जैसा पॉलिटिकल से बीइंग से जुड़े हो, पॉलिटिकल में क्या होता है कि क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है, तो कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि क्रेडिट को कैसे सस्टेन रखना है क्या है? नहीं, सबसे पहले तो है कि आप काम करो, क्रेडिट तो लोग देते हैं, तो क्रेडिट लोग देते हैं, लोग हर बार हमें चलाते हैं, तो लोग हम काम करते हैं तो यही क्रेडिट है जी। जी जी सर, जैसे अब क्या कि जो आपका एरिया है जो ये आपका हमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं या फिर यहाँ के नगर निगम एरिया की बात करते हैं, तो एक एसटी बाहुल्य एरिया है जिनका एक रीच जो था, रीच इनकी अपने सांस्कृतिक वैल्यू थी, एक लंबा कल्चर है, तो उसको अब क्या कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना, कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहा है कि लोग अपनी जड़ से है। 1660 में हम लोग जो है गद्दी समुदाय जो यहाँ पर आया हुआ है जी जी, और उसके चलते चलते उसके बाद जो है वो बाकी समुदाय के लोग आए हैं, तो आज जो है गद्दी समुदाय के जो लोग हैं वो इस एरिया में धर्मशाला विधानसभा में जो है वो 40% तक इनकी जो पॉपुलेशन है वो है, तो ऐसा है कि हमारा समुदाय जो 300 सालों से यहाँ पर इस उसमें रह रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे जो अब आने वाले जो पीढ़ियां हैं या जो पीछे को जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो लोग अपने वेशभूषा और सबके सजो के रखा हुआ जी। सर 2016 में जैसे नगर निगम बना, नगर निगम बनने के बाद अब आपका जो कार्यकाल डिप्टी मेयर का रहा, अब मेयर का 5 साल का हम कार्यकाल की बात करते हैं, तो इसमें एक ऐसी क्या अचीवमेंट है जिसको आपको लगता है कि आपने वो बहुत बढ़िया काम किया था? हमने तो सबसे पहले जो है स्वच्छ भारत मोदी ने जो काम चलाया है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जितने भी हमारा यहाँ पर डस्टबिन लगे थे उनको हमने बिल्कुल जो है वो डस्टबिन मुक्त जो है उसको अपने धर्मशाला इसको नगर निगम को बना रहे, क्योंकि हम डोर टू डोर शुरू कर रहे हैं और जब कूड़ा सड़क में पड़ेगा ही नहीं, पहली जो है जब हम कूड़ा सड़क में फेंकेगी नहीं, अगर हम अपने घर में एक या दो दिन अगर हमारी गाड़ी नहीं आती और कूड़ा घर में रहता तो कूड़ा जो है वो हमें नगर निगम को ही कूड़ा दें लोग और कूड़ा सड़क में ना फेंके, सबसे पहली बात हम हमारी जो है सफाई के ऊपर है, उसके बाद लाइटें हैं, सड़कें हैं, सब काम जो है वो नगर निगम और स्मार्ट सिटी है धर्मशाला, स्मार्ट सिटी के तहत बहुत काम थे जो हमारे अभी जो इससे पहले ठाकुर संदीप ठाकुर जी थे उन्होंने भी बहुत काम किया, अभी जो हमारे नए अपने अनुराग जी आए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमारा स्मार्ट सिटी का काम है उसको बिल्कुल टॉप पे लेके आए हुए हैं जी। सर अब बात की जाए कि यहाँ पे जो नक्शे वगैरह लंबे समय से लंबित पड़ रहे थे, क्या वजह थी और कब तक जो वो अधिकारी अपने सिर पे पहुंचेंगे? सबसे पहले जो आजकल नक्शे जो वो मतलब ऑनलाइन नक्शे हैं, तो इसमें जो है 4-5 लोगों के पास नक्शे जाते हैं, जैसे कि
सबसे पहले जो नक्शा नीचे लेवल पे जाएगा अपलोड होके, तो चार आदमी के पास जाएगा, तो हमारे पास जो एक्शन नहीं है, तो एक्शन जो है वो हमने सरकार से भी निवेदन किया हुआ है, तो बहुत जल्दी हमें एक्शन मिल जाएगा। तो एक्शन की जो हमारी 3-4 महीने से खाली चली हुई, इस करके जो है नक्शे रुके हुए हैं, और बहुत जल्द जैसे एक्शन मिल गया तो नक्शे लिखे जाएंगे। अब जैसे स्टेट में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो चेंज आने के बाद कहीं आपको लग रहा है कि जैसे गतिरोध होता है उसकी वजह से काम रुकने कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, ये सरकार का काम है। अब एक्शन जो सरकार जल्दी से जल्दी दे, हमारी भी सरकार के साथ बात हुई है, तो हमें उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जल्दी ही आपको जो है एक्शन दिया जाएगा, तो जैसे ही एक्शन मिलता तो नक्शे का काम जो है वैसे ही चलेगा, क्योंकि जिसका काम है एक्शन का काम है, तो अगर एक्शन ही आगे करेगा नक्शा तो आगे चलेगा। अब जैसे ना आपने अपने पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड की बात बताई कि आपके पिताजी भी की राजनीति में, और आप 20 सालों से राजनीति में हो, एक्टिव मेंबर्स में, लाखों कई लोगों का कहना है कि आपने कई बार टिकट की दावेदारी की है, तो आप कब क्या लगता है कि आपका जो है यहाँ से जो विधानसभा में कब तक का जो रोक दिया ही होगा, या फिर अब यही पे सेटिस्फाइड हो? नहीं, हम देखो जी, अब ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है ये लोगों के प्रॉपर्टी है, ये हम जिस कुर्सी पे हम बैठे ये भी लोगों की है, जो MLA हो भी लोगों ने बुलाने, तो ठीक है, लोग जिसको चाहेंगे वो आदमी बन जाएगा। हर आदमी की चाहत होती है, किस आजकल की डेट में अगर आप मतलब पार्षद का इलेक्शन होता तो 12 आदमी खड़े हो जाते हैं, तो चाहत तो सबकी होती है, लेकिन संगठन का जो निर्णय होता है उसको हमें अपने सरमत से रखना चाहिए, संगठन ही निर्णय देता है। अब संगठन के लंबे समय से आप संगठन के सिपाही रहे हो सर, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हमारा ये जो एरिया था ST की पॉपुलेशन काफी भी होगी, अलग फैक्टर्स होगा, अगर चेहरा बदला था या जातिगत उसमें बदला था, उसका लगता है कुछ काटा पड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका भाग्य है वो ही मतलब इसमें इलेक्शन में जीत होता है, और भाग्य जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी जनता है, जनता का निर्णय हमें मानना चाहिए। ठीक है जी, तो ये थे हमारे साथ नेहरिया जी, उन जिनका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मैंने पहली बात एक विकास के ऊपर प्रेफरेंस रखी है, और दूसरा इनका कहना है कि फ्यूचर आपका जो भाग्य है जहाँ लेके जाएगा वहां तक जाएंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।